हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है और हम लोग नेफ्रॉन को बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्यों कहते हैं। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स बताया था कि जो हमारी किडनी है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है और इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोल सकते हैं। और नेफ्रॉन इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज यूरिनी फेरस ट्यूब। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पे कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर नेफ्रॉन, दे आर ऑल्सो नोन एज यूरिनी फेरस ट्यूब। और हर एक नेफ्रॉन फिल्टर करती है पार्ट ऑफ ब्लड एंड प्रोड्यूसेस ए मिनिस्कल अमाउंट ऑफ यूरिन। और हर एक नेफ्रॉन बना हुआ है दो पार्ट्स का। इसमें दो पार्ट्स हैं, जो कि पहला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मैल्फीजियन कैप्सूल। या फिर हम लोग मैल्फीजियन कार्पसिल बोल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स हमारा हमारे पास है लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल। लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल, के बाद हम लोग अगर मैल्फीजियन कार्पसिल की बात करें तो मैल्फीजियन कार्पसिल फिर से दो पॉइंट्स, दो पार्ट से मिलके बना हुआ है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। जो हमारा मैल्फीजियन कार्पसिल है या फिर हम लोग मैल्फीजियन ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं इसको, मैल्फीजियन कार्पसिल ऑब्लिक करके आप यहाँ पे ट्यूब्यूल लिख लें स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि जो मैल्फीजियन कार्पसिल है अगेन इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रीनल कार्पसिल, यहाँ पे मैं इसको पूरा कर दूं, दिस इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। ओके, अब आप देखेंगे कि जो ग्लोमेरुलस है, दिस इज अ ग्लोमेरुलस एंड दिस इज अ बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस आर लुकिंग लाइक कैपिलरी नेटवर्क and Bowman's capsule is a cup-like structure. You can easily see here in this picture. This is called blue color structure is called Bowman's capsule, which is looking like cup shape structure. Or inside the Bowman's capsule के अंदर आपको एक network of capillaries जो कि red color से students इसमें दिख रहा है, this is known as glomerulus. तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं this is a bundle of capillaries. आप यहाँ पे ये point लिख सकते हैं, it consists of bundle of capillaries. Which is present in a cup-shaped structure, which is called Bowman's capsule, and it receives blood from renal artery. और ये blood कहाँ से receive करेंगे students? Renal artery से। आप देख रहे हैं picture में renal artery, which brings excretory waste from the body to the blood. जो हमारे body से blood, जो कि हमारी body से kidney में blood excretory waste जाएंगे, उनको लेकर जाएगी renal artery. और जो हमारा ब्लड है वो एंटर करेगा ग्लोमेरुलस के थ्रू, जो आपको यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क दिख रहा है, थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू जाएगा। एफरेंट मतलब जो लेकर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह की आर्टेरियोल है, वन इज कॉल्ड इफरेंट एंड अनदर इज कॉल्ड एफरेंट। जो लेकर आ रही है दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल एंड विच लीव द ग्लोमेरुलस इट इज नोन एज इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट रिफर्स टू एग्जिट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। जो एफरेंट आर्टेरियोल्स हैं ये काफी वाइडर हैं एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल्स। और हमारा जो बोमेंस कैप्सूल है, जो बोमेंस कैप्सूल है इट कंसिस्ट ऑफ ए कप लाइक स्ट्रक्चर, आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, इनक्लोजिंग द ग्लोमेरुलस एंड इट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड पार्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जो भी फिल्टर्ड आउट ब्लड आ रहा है उसको ये कलेक्ट करेगा एंड इट लीड्स इन टू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर। जो आपको यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। और ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज कॉल्ड पीसीटी। दिस इज कॉल्ड पीसीटी। व्हाट पीसीटी रिफर्स? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो भी हमारा वुमेन्स कैप्सूल के पास का जो नेटवर्क है, जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग प्रोक्सिमल बोलेंगे। और प्रोक्सिमल का मतलब स्टूडेंट्स होता है नियर बाय। और जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर थोड़ा दूर पे होगा, डिस्टेंस पे होगा, उसको हम लोग डीसीटी बोलेंगे, विच इज रिफर्ड टू एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारा लॉन्ग कॉइल ट्यूब है उसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब
This consists of PCT, loop of Henle and DCT. PCT, loop of Henle and DCT. And its various parts are modified for absorption of salts and water from the blood. और ये क्या करेगा, ये collecting duct में जाके इकट्ठा होगा, आपको picture में देख रहा होगा, this is called collecting duct, जहाँ पे collect होगा. And the capillaries that take blood out from glomerulus, जो glomerulus से लेकर आएगी, form a network all over the long tubule. और finally क्या बनाएगी, renal vein. आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे PCT DCT का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड थिक असेंडिंग लिम्ब, दिस इज थिन असेंडिंग लिम्ब, हियर इज रीनल वेन कलेक्टिंग डक्ट एंड फाइनली हियर इज पेल्विस. तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा. हम लोग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन को मैंने आपको बताया कि जो मेल्फीजन कैप्सूल है वो बना है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल का. और जो लॉन्ग कॉल टिब्यूल है वहां पे तीन पार्ट्स हैं. ट्यूब को हम लोग टिब्यूल कर ले, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, तीन पार्ट्स हैं. मैंने सभी के आपको फंक्शंस बता दिए स्टूडेंट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा स्टूडेंट्स वो होगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म है. अभी तो हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर को जाना है कि कैसे यूरिन बनाएगा नेफ्रॉन, वो जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, उसी के बाद हम लोग यूरिन का कंपोजिशन देखेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.